हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अनुज पुत्र तू इतने की कदर पे है? आज तो संगीत है, चल जाए यहाँ से। अरे आपको अरे मेरी प्यारी स्वीट सी आंटी जी, मैंने मेरी होन वाली वोटी माड़ा जा वेखा था दे। अच्छा? हरे मेरे रब्बा, मैं मर जावा, कितनी सोनी लग रही है। सोने तो असी भी लग रहे हैं, सानू वेख ला। ओ ता लगी रहे हो, आए हाय। पुत्र जी थोड़ी सी शर्म करो, यहाँ पर मर्दों का आना मना है। अच्छा तो इसका मतलब आप मर्द नहीं हो? अरे मेरी चल पुत्र, चल चल यहाँ से, आजा। चल जी से तो सफर ही नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, तुहानू आज इतो जाना ही पैना। अरे साली जी बड़े प्यारे लग रहे हो तुम। थैंक यू, पर इस वक्त आपको ऐसे जाना पड़ेगा। अरे चल जी, चल सुनो, चल जा, सुनो, चल जा, जा। अभी सबका बहुत हो गया, सब अकेले अकेले नाच रहे हैं। हुन साडे बाऊ जी नचागे, ओ भी चाय जी दे नाल। चाय जी के साथ? हां जी, और वो भी एंज बाहों में पड़ के। पुत्र असी अत्ते ही ठीक है। नहीं 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 नहीं, चाय जी तुसी उठो, चलो चलो। चाय जी, चाय जी, चल ले। चाय जी, चाय जी, अभी तक हमारे बच्चों का जिंदगी भर बोझ उठाती रही, चल बच्चों वास्ते तू भी आज आ जा। आजा निम्मो। ये लाश ऐसे उड़के कहां से गिरी? किसकी लाश है ये? चलो बाहर चल के देखते हैं। चलो चलो आ जाओ। ओए ओ तू उधर जाके देख, ओ तुम लोग उधर देखो। ओए ओए कौन है उठे? अरे चाचा जी यहाँ पे कोई नहीं है। कोई नहीं है तो ये लाश ऐसे उड़ के कैसे आई अंदर? चाचा जी मुझे लगता है ना हेलीकॉप्टर से लाश उड़ के आई है। ओ चुप, जब देखो बकवास करता रहना है। आखिर ये लाश है किसकी? छोटे चाचा वो वरुण की लाश है। वरुण? कौन वरुण? वरुण मेरा दोस्त, मेरा ऑफिस का कलीग। मैंने उसे नताशा की शादी में न्योता दिया था। न्योता दिया था? ओए बाबा जी, उसके नसीब में मौत का न्योता था। लेकिन चाचा अब क्या करें? अब क्या करें, अब तो हमारे पास सिर्फ दो ही सहारे हैं, एक ऊपर वाला और दूजा CID। ये खून तो अभी भी बह रहा है, लगता है कुछ घंटे पहले ही मारा गया। घाव भी दिख नहीं रहा है सर। एक बार ये पूरा खून साफ हो जाए तो घाव भी दिखेगा। अंश जी सर,
ये तुम्हारा दोस्त है? जी सर। पर पता नहीं सर ये सब कैसे हो गया, पंछी की तरह उड़कर आकर सीधे मेरे हाथों में आकर गिरा। और इस हादसे से मेरे ससुर जी और बाकी के घर वाले बहुत घबरा गए। तुम यहाँ कैसे? नहीं, हमने सुना है कि लड़की की मेहंदी सेरेमनी में लड़का और लड़के के परिवार वाले आते नहीं है। जी सर, वो एक्चुअली मैं अपनी होने वाली वोटी को देखने आया था। अच्छा, जरा एक बात बताओ, ये वरुण अंश का दोस्त जिसकी लाश यहाँ पड़ी है, क्या आप में से किसी ने भी उसे यहाँ इस पार्टी में आते हुए देखा ये जाते हुए? जी नहीं सर। पार्टी में कितने लोग हैं? जो मेहमान आए हैं उनकी लिस्ट है आपके पास? जी सर, वो वेडिंग प्लानर के पास लिस्ट है। जी सर, जो भी मेहमान आ रहे थे उनके नाम नोट किए जा रहे थे। गुड पंकज, ये वेडिंग प्लानर है, इनसे मेहमानों की लिस्ट ले लेना। सर। और आप? कैमरा। जी सर। अंदरा। आया। इससे बात कर लेते हैं। याम। जी सर। इस पूरे फंक्शन की रिकॉर्डिंग तुम कर रहे थे? हाँ सर। जब ये हादसा हुआ आपकी रिकॉर्डिंग चल रही थी? जी सर। तुम्हारा कैमरा देना हमें, पता चल जाएगा लाश यहाँ आई कैसे। फॉरवर्ड करो। डीजल सच में लाश उड़कर आई? पॉज करो, थोड़ा पीछे आ, रिवाइंड करो, कर प्लीज करो। ये देखो लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट के पास से आइए, बाहर चलकर देखते हैं। इस लैंप पोस्ट से वो बॉडी अंदर उड़कर गई। वरुण का फोन करने के बाद कोई यहाँ पे उसे लाया और यहाँ से बॉडी को अंदर फेंक दिया। कैसे अभिजीत, ये कैसे हो सकता है? तुम ही बताओ, क्या तुम किसी आदमी की लाश को यहाँ से ऐसे फेंक सकते हो दीवार के उस तरफ जिस तरह से वो बॉडी अंदर आई थी? नहीं सर, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लाश को ऐसे कोई नहीं फेंक सकता कंपाउंड के अंदर। सर, हाँ सर, ये क्या हुआ? ये वो गिर गया हुआ सर, ये वो गैस लिस्ट। ठीक है, सारे मेहमानों को हॉल में बुला लो और फ्रेडी वेटर से पूछताछ करो उस वरुण के बारे में, देखो कुछ पता चलता है क्या। हाँ यस सर। सुनिए, हमारे ऑफिसर पंकज एक एक नाम बताएंगे, आपको उन नामों का परिचय देना है। हाँ पंकज। ओम प्रकाश, मेरे चाचा जी। जी जी मैं। निम्मी। हाँ जी मैं। सर मेरी वाइफ है। हाँ। सरिता। सर मेरी चाची। जी मैं। गौरीचंद। सर मेरा छोटा भाई है। राजेंद्र। रंजनी। रंजनी कौन है? बस क्या है? बॉस, किसी की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा मिला है। देखिए एक टूटा हुआ चूड़ी का टुकड़ा है, क्या बता सकते हैं ये चूड़ी किसकी है? कोई जानता है?
सर ये तो उसी लड़की की है। कौन सी लड़की? जी रंजनी। वरुण! 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 वरुण ये क्या हो गया तुम्हें? वरुण तुम्हें क्या हो गया वरुण? वरुण प्लीज सच तो बोलो, तुम अपनी रंजनी को छोड़कर कैसे जा सकते हो? अपने आप को संभाल, छोटे इसको पढ़ाने कमरे में लेके जाओ। चलो चलो बेटा चलो। सर रंजनी ऊपर नहीं। रंजनी ऊपर नहीं है? कहाँ गई वो रंजनी? पता नहीं सर, अचानक से आई और अचानक से गायब हो गई। उसका स्केच बनवा लो इनसे। सर चल। बड़ा अजीब चक्कर है ये रंजनी का, बिन बुलाए यहाँ पे आना और इन सब के सामने इतना रोना धोना और फिर अचानक गायब हो जाना। सर उसका गायब हो जाना उसके पीछे कोई मकसद तो नहीं था? हो सकता है दया, ये रंजनी गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस रंजनी में। सर हाँ, ये वेटर कह रहा है कि इसने वरुण को संगीत प्रोग्राम में किसी आदमी के साथ बात करते हुए देखा। क्या देखा तुमने बता? सर वरुण साहब को मरने से एक घंटे पहले कोई आदमी मिलने आया था सर। जी नमस्ते। जी नमस्ते। इन दोनों की शादी मैंने ही फिक्स करवाई, आई मीन नताशा और अनुज की। ओके दैट्स गुड। आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आप अभी तक बैचलर हैं। जी रॉन्ग, आई एम एंगेज्ड। मतलब आप शादी करना चाहते हैं लेकिन जिंदगी से रूठे रूठे रहते हैं। जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। अजी कहाँ चल दिए, सुनिए तो। ये आपके पास कैसे है? जी मैं आपकी पूरी जन्म कुंडली बता सकता हूँ। चलिए बैठ के बात करते हैं। आइए 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 तो। सर यहाँ से वो दोनों बाहर निकल गए ड्रिंक का ग्लास लेकर। सर यहाँ से? जी सर। पंकज इससे उस आदमी का स्केच बनवा लो। जी सर। इनके साथ जाओ। मोटरसाइकिल की टेल लाइट लगती है। हाँ ये क्या है? ये देखो स्किडिंग के मार्क्स हैं, ये टायर के मार्क्स हैं। ऐसा लगता है बाइक यहां से फिसलते हुए बाहर निकल के गई है, तो बाइक का एक्सीडेंट तो हुआ है। सर इसका मतलब वरुण संगीत सेरेमनी में बाइक पर आया था? हाँ, फिर बाइक पर आते वक्त किसने उस पर हमला किया, वार किया। मगर सर लाश अंदर कैसे पहुंची? सर हाँ, वो सालू के सर बुला रहे हैं। चल चल। हमें ऐसा लगता है कि ये जो वरुण है वो यहाँ पे बाइक से आया था। क्या बात, वरुण ऐसे ही बाइक पर संगीत में आया और उड़ते उड़ते किसी ने उसे चाकू भी घोंप दिया और गोली भी मार। क्या लगाए साहब आप, वाह। एक मिनट, मतलब वरुण पर किसी ने चाकू का वार किया और फिर गोली भी चलाई? जी हाँ। तेरा ओके क्यों बताता है, खजाने बता सकता है? आपने पूछा करें, इन्हें तो लग गया। देखो वरुण पर दो हथियारों से वार किया गया है, किसी ने चाकू भी मारा है और किसी ने गोली भी चलाई। ये कैसे हो सकता सर?
दो अलग अलग हथियारों से वरुण के ऊपर एक ही समय पर वार कैसे हो सकता है? अब एक ही समय पर हुआ है या नहीं हुआ है ये यहाँ नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए मुझे लाश को लैब में लेकर के जाना पड़ेगा। अरे तो सर ले जाइए ना, कितना टाइम हो गया, रात से सुबह हो गई है। तो क्या करूँ, टाइम हो गया तो अकेला आदमी हूँ, वक्त तो लगेगा ना। और हाँ एक बात और, वरुण की हत्या का और बाइक के एक्सीडेंट का आप जो कनेक्शन जोड़ रहे हैं ना, ये गलत है, एकदम गलत है। दरअसल ऐसा है नहीं, वरुण की हत्या का उस बाइक के एक्सीडेंट से कोई कनेक्शन है ही नहीं। ये नुकसान के, अगर तेरी एडवाइस की जरूरत हो ना तो हम पूछेंगे तुम्हें, ठीक है? अब जा अपने लैब जाके काम शुरू करो। अंश जी। सर ये वरुण के पास मोटर बाइक है क्या? जी सर, वरुण के पास एक मोटर बाइक थी सर। ठीक है जाओ तुम। थैंक यू सर। तो अगर इस वरुण का एक्सीडेंट मोटर बाइक से हुआ था तो फिर वो मोटर बाइक है क्या? भैया अगर वरुण की लाश यहीं पर मिली है तो फिर बाइक भी यहीं पर आसपास होनी चाहिए। सर सामने का व्हील बेंड हो गया, बुरी तरह गिरी है। पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया, शायद इसीलिए बाइक आगे नहीं जा पाई। हैंडल पे भी खून है, ये सीट पे भी खून लगा हुआ है। पंकज काम करो, आरटीओ में जाकर पता लगाओ ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर है और फिर बाइक को फोरेंसिक लैब भेज दो। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या गलती हो गई मुझसे? नहीं नहीं अभिजीत गलत मत समझो, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। दरअसल मैं निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। अरे लेकिन क्यों? मैंने तुम लोगों को बताया था ना, वरुण पर दो बार हमला किया गया। अरे सर वो तो हमें मालूम है, आगे कुछ बात बनी? बनी है, मैं समझाता हूँ। देखो पहले किसी ने चाकू से वार किया इसके यहाँ पर, और उसके बाद 5 मिनट बाद किसी ने गोली मारी इसे लगभग 100 मीटर की दूरी से। मुझे लगता है वहां पर 2 लोग थे। अच्छा, और दोनों खूनी एक ही जगह पर एक ही वक्त पे मौजूद थे वरुण को मारने, इसीलिए दोनों को पता नहीं चला कि कौन कब वार करने वाला वरुण के ऊपर। गोली मारने वाले को पता ही नहीं था कि दूसरे खूनी ने वरुण को पहले ही चाकू मार दिया। सुलझ गई ना गुत्थी? अरे कहाँ सुलझ गई, ये तो बताइए कि बाइक का वरुण से क्या कनेक्शन है? तो यार बताते हैं, रुको। तारिका तुम बताओ। हाँ आप बताइए। देखिए अब तक के हमारे टेस्ट से ये पता चला है कि बाइक के सीट पे जो खून है वो तो वरुण का ही है, लेकिन बाइक के हैंडल पे जो खून था वो वरुण का नहीं है, और हैंडल पे जो फिंगरप्रिंट्स के निशान है वो भी वरुण के नहीं। इसका मतलब बाइक पे 2 लोग थे, बाइक कोई और चला रहा था और वरुण पीछे था। फिर तो जो आदमी बाइक चला रहा था उसे भी गहरी चोट लगी होगी इस एक्सीडेंट में। हाँ बाइक तो बुरी तरह गिरी है। एक खूनी वरुण पर हमला करता है, उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाइक पे बिठाकर ले जाता है, और उसी वक्त दूसरा खूनी गोली चलाकर वरुण को मारता है। और इस हमले की वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ा, बाइक किसी चीज से टकराई और वरुण उड़ के सगाई वाली जगह पे पहुंच गया। बिल्कुल बाइक टकराई है, ये देखो बाइक पर ये डेंट के निशान है। लेकिन टकराई कहां पे थी भाई? What?
स्पीड ब्रेकर, ये बाइक वहां स्पीड ब्रेकर से टकराई होगी। पंकज तुम भी गिरे थे ना उसपे? हाँ सर, वो खतरनाक स्पीड ब्रेकर था, अभी तक पैर दर्द हो रहा है। चोट तो जबरदस्त उस बाइक चलाने वाले को भी आई होगी। आसपास के हॉस्पिटल से पता करो, पिछले 5 घंटों में कोई ऐसा मरीज आया है क्या जिसके हाथ पे कोई गहरी चोट लगी हो? इस एरिया में करीब 5 अस्पताल है सर, लेकिन पिछले 5 घंटों में हाथ पर जख्म का केस इसी हॉस्पिटल में आया है। सिर्फ इसी? अरे ऐसे कैसे तुम किसी भी गुंडे को अपने अस्पताल में दाखिल कर लेते हो, हैं? बताओ जरा। देखिए मैडम आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए, मेरे मिस्टर की हालत देखिए तुमने, कैसी हालत है, और उनके बगल में तुमने गुंडे को लिटा दिया। देखिए मैडम आप धीरे से बात कीजिए। अरे क्या धीरे बोलूं? मैं सबको बता दूंगी इस अस्पताल में क्या क्या हो रहा है, समझे तुम? जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, हल्ला मचा दूंगी मैं इस अस्पताल की, ईंट से ईंट बजा दूंगी, समझे तुम? क्या हुआ? अरे मैडम क्या बताऊं, इस अस्पताल में क्या क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता है। मैं आपको एक सलाह देती हूँ, गलती से भी इस अस्पताल में दाखिल मत हो ना आप कभी भी। नहीं मैडम ऐसा कुछ भी नहीं। अड्डा है अड्डा। नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं। क्या? कौन कौन गुंडा है? अरे वही सर जो मेरे मिस्टर के बाजू के बेड पे लेटा हुआ है। एक मिनट, क्या उस गुंडे ने आपके मिस्टर पर हमला किया? नहीं नहीं सर, हमला तो नहीं किया, लेकिन पूरी रात अजीबोगरीब तरह के लोग उससे मिलने के लिए आते रहे। ऐसा दिखता? हाँ सर यही तो है। यही है? कौन से कमरे में है ये? सर ये रूम नंबर 403। और सर जैसा ये मैडम कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो हम देख लेंगे। 403 कमरा कहाँ है? इस चलिए सर मैं बताती हूँ आपको, आइए आइए आप, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा इन्हें सब कुछ, सब छुपा रहे हैं। पूरी रात मैं इतनी परेशान रही हूँ ना सर, क्या बताऊँ आपको। और मेरे मिस्टर भी बहुत परेशान रहे हैं। आइए आप इधर सीधे हाथ को आइए, आइए आइए सर आइए। देखिए वो बैठे ना उधर। भाग गया, भाग गया। कहाँ है गुंडा? भाग गया। भाग गया? भाग गया सर। कहाँ भाग गया गुंडा? लड़की ले गई। कौन सी लड़की? लड़की ने। नर्स डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। जी सर। सर मैं कह रही थी ना आपसे, इस हॉस्पिटल में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत घबरा रहे हैं। देखिए नर्स वो गुंडा कहाँ गया? सर मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम, तुम ड्यूटी पर थी ना इधर? सर अभी मैं जस्ट ड्यूटी पर आई हूँ। कहीं वो स्केच वाली लड़की तो नहीं? हो सकता है। सर सर इनको होश आ गया? यही थी वो लड़की? यही थी वो लड़की, टिकटॉक टिकटॉक करती हुई यहाँ आई, गुंडे से कुछ बोली और गुंडे को लेके भाग गई। इसका मतलब है सर ये लड़की और वो ज्योतिष दोनों मिले हुए स्कूल में। देखते हैं कहां तक भागते। पंकज सर पता लगाओ पिछले 1 घंटे में इस हॉस्पिटल में कौन से मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे, जल्दी। सर 10 नंबर्स एक्टिव थे सर, इसमें से 9 अभी भी इस हॉस्पिटल में, मगर एक नंबर है सर जो जे विहार कॉटेज की तरफ जा रहा है। जे विहार।
मेरे वरुण ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरे वरुण ने तेरा क्या बिगाड़ा था? चंद पैसों के लिए तूने मेरे वरुण का खून कर दिया? तू लोगों का भविष्य बताता है ना? हाँ? उनकी शादियां करवाता है? तो चल, ये बता, क्या तुझे पता है कि तेरा भविष्य क्या है? मेरा भविष्य? हाँ। नहीं। नहीं पता? नहीं। कैसे नहीं पता तुझे भविष्य? तू मेरे वरुण को मार सकता है तो कुछ भी कर सकता है। तुझे भविष्य नहीं पता तेरा? मैं बताती हूँ। आज मैं तेरी शादी करवाऊंगी। मेरी शादी? हाँ, आज मैं तेरी शादी करवाऊंगी, वो भी पूरे रस्म और रिवाज के साथ। कहाँ है तेरे खूबसूरत हार? मेरे, प्लीज प्लीज, मेरे ही नहीं, प्लीज। तेरे इन उंगलियों को काट, तेरे इन हाथों में मेहंदी रचाऊंगी, मेहंदी। प्लीज नहीं। जो मेहंदी मैं अपने वरुण के नाम रचाने वाली थी, जो तूने छीना मुझसे, तेरे हाथ, तेरे पैर, तेरा ये सर, सब कुछ काटूंगी। प्लीज नहीं। और बारातियों को खिलाऊंगी, चील कामों की बारातियों को, तेरे बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके ये मंडप सजाऊंगी। तेरी चिता को जलाने के लिए तेरे घर वालों को तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। प्लीज मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। जाने दो? प्लीज माफ कर दो, कभी नहीं। प्लीज नहीं, प्लीज। अब माफी तो तू ऊपर जाकर मैंने मारे। कौन है आप लोग? तुम जैसे सबके दुश्मन। What? इसने मेरे वरुण की हत्या कर दी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें कैसे मालूम कि इसने वरुण को मारा? वरुण मेरा मंगेतर था, हमारी शादी होने वाली थी सर, लेकिन इसने उस दिन अंश के कजन के संगीत में वरुण ने मुझे कहा था उसके साथ चलने के लिए, पर मैं जैसे ही घर से बाहर निकल रही थी तो मुझे मेरी फ्रेंड का फोन आया। क्या? वरुण को जान से मारने की कोशिश? कौन है वो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं, मैं वहां अभी जाऊंगी, मैं अभी जा रही हूँ वहां पे। हाँ, मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि उसका ये निकम्मा बॉयफ्रेंड मेरे वरुण की हत्या करना चाहता था, वो भी उसी संगीत में। लेकिन जब मैं संगीत में पहुंची बदकिस्मती से मैं वहां देर से पहुंची, जब मैं वहां पर गई तो मुंह खोलो, अब तुम्हारी बारी है, बताओ क्यों मारा तुमने वरुण को? अब कुछ बताएगा या दूसरा हाथ भी तोड़ दो। क्यों मारा वरुण को? सर वो हाँ सर, मैंने ही चंद पैसों के लिए वरुण का खून किया है। एक बड़ा सा चाकू उसके पेट में घोंप दिया और बिना किसी के जाने उसकी लाश को दफना भी देता कहीं पे। मुझे देख लिया। बताइए दूल्हे साहब, अपने मेहंदी के रस्म में चुपचाप घुसना ये भी एक प्लान था क्या? नहीं सर, वो मैं मस्ती नताशा को। हाँ,
मैंने वरुण पर गोली चलाई थी क्योंकि उस पर गोली चलाने का पूरा हक था मेरा, और ये सब मैंने अपने फ्यूचर के लिए किया। वाह, अपने फ्यूचर के लिए किया, बहुत बड़ा काम किया है ना। अब चुपचाप बता, क्यों मारा तुमने वरुण को? मैं फांसी चढ़ जाऊंगा लेकिन नहीं बताऊंगा। ये लो। अच्छा, एक मिनट। गाना सुर में गाना, याद रहे। मैंने वरुण को अपने प्यार नताशा के लिए मारा। श्री सर, मुझे पता चला था कि वरुण नताशा को किसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैं क्या करूं? वो वरुण लौट आया है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू बता ना मैं क्या करूं? यार मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अनुज से बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं रह सकती हूँ अनुज के बिना। तू बता मैं क्या करूं? वरुण को मैं छोड़ूंगा नहीं। वरुण मुझे नताशा से दूर नहीं कर सकता। इसलिए सर, मैंने अंश से कहकर वरुण को मेहंदी में बुलवाया। अनुज ने अपने प्यार नताशा को बचाने के लिए वरुण पर गोली चलाई, और तुमने क्यों चाकू चलाया? पैसों के लिए ना? क्यों? किसके कहने पर? सर वो किसके कहने पर? किसने दिए पैसे? शायद नताशा बताएगी। क्यों नताशा? तुम वरुण को जानती थी ना अच्छी तरह से, कॉलेज से? अब आगे की कहानी तुम बताओगी या हम बताएं? बता जल्दी। मेरी शादी शांति से हो जाए, पर इससे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। मैंने फोन पर तुम्हें सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी ये लो फोटो। संगीत सेरेमनी में उसे ये फोटो दिखा देना। फोटो देखते ही वो तुम्हारे पीछे पीछे चलाएगा। पता नहीं इस अंश को मेरे संगीत में उसे क्यों बुलाना था। आप अंश को बोल दीजिए इसे मत बुलाए। अयो मैक, तुम्हारा दिमाग ठिकाने? अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया ना तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा, और अनुज को भी। मैं सब कुछ भी काम नहीं करना चाहती जिससे किसी को भी मुझ पर शक हो। डोंट वरी, आपका ये काम हो जाएगा। आपके संगीत वाले दिन ही इसकी अर्थी उठेगी। गुड, ये रहे तुम्हारे पैसे, और याद रखना काम टाइम पे होना चाहिए, समझे? हो जाएगा। मगर ये हो ना सका, ये हो ना सका क्योंकि बीच में आ गया कंबख्त स्पीड ब्रेकर। मोटरसाइकिल स्पीड ब्रेकर से आकर टकराई, पीछे रखी हुई वरुण की लाश यूं हवा में उड़कर गई और सीधे नताशा जी आपके ताऊ के गोदी में गिरी। ये हुआ ना? अब बताओगी भी कि तुमने वरुण को क्यों मारा? कॉलेज में वरुण मेरा बॉयफ्रेंड था, मैंने उसे धोखा दिया था। उसके सारे पैसे लेकर मैंने उस रस्ते पर ला खड़ा किया, और मैं वहां से भाग के इस शहर में आ गई। लेकिन वरुण तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ शहर तक आ गया, जिसकी वजह से तुमने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया।
अब बारात निकलेगी तुम तीनों की, बारात। और नताशा, मेहंदी का रंग चढ़ेगा जेल की सलाखों के पीछे, और वरमाला होगी फांसी का फंदा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।